पंच बदरी पंच केदार पंच पराग अखिचना पंच पराग अखिचना पंच पंडोबी एनी अख भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन कुनिचने एक ताल चिन मट यकी महान चिन ताल सहस्त्र घाटी फूल की असमा ये लोग काफल देखने जा रहे हैं, लेकिन गाइस काफल का भी टाइम हुआ नहीं है। ये अभी कच्चे हैं, पके नहीं है। अभी ये लेकिन कच्चे हैं, पके नहीं है। इन्हें पकने में महीने से 2 महीने का टाइम और लगेगा। दोबारा चक्कर मार लेना, उसके बाद काफल दोबारा चक्कर मार लेना। ये हाय हेलो हम चल रहे हैं ऑन द वे रास्ते पे फूलू मां देख अगनी भौरा ये बरस भी तेरी मायाली माया को जिकुड़ी तरसगी जिकुड़ी तरसगी बांझा को बगोट हे जी हो किंगोड़े नहीं किंगोड़े सॉरी ये देखिए अभी ये काले होंगे एकदम से ये अभी काले होंगे एकदम से खट्टे होते हैं ये और बहुत टेस्टी होते हैं मैं भी बहुत खाती हूँ गांव में हमारे गांव में लाल लाल हो रहे हैं ना ये अरे हम भी बहुत लाल नहीं काले यहाँ पे बहुत प्रकार की चीजें हैं अरे इतने मोटे होते ना नहीं वो तो होते हैं नहीं जिसके बारे में हमें तो ज्यादा नॉलेज नहीं है नहीं नहीं सर देखो तो अच्छे हो रहे खट्टे खट्टे हां ये देखिए एक हां खाते हैं सर अच्छे हो रहे हैं अरे एक और तो होते हैं क्या होते हैं खट्टे हो जाएंगे ये थोड़े ही दूर में बाजार आपको भी दिख रहा होगा ये बाजार है हमारे यहां का बहुत पास है घर से केवल 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का रास्ता है अगर हम रोड पे आ जाते हैं तो उससे पहले का 10 मिनट और जोड़ लीजिए क्या खूबसूरत वादियां हैं हरी भरी ये ऊपर जंगल है सारा और इधर भी जंगल नीचे सामने बाजार है काफ़ी रिफ्रेशमेंट है यहाँ का एयर वगैरह हवा वगैरह बहुत पानी यहाँ का शुद्ध होता है मज़ा आ जाता है यहाँ की जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है शुद्ध है पर्यावरण यहाँ का काफ़ी ज़्यादा जितनी भी थकान जो भी टेंशन दिल्ली की होती है या कहीं की भी होती है यहाँ पे आके बिल्कुल ठीक हो जाती है धरती हमरा गढ़वाल की कथगा रोते लिस्वाणी चाहो पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक्षन पंच प्रयाग यक्षन पंच पांडव भी एन यखी भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन पंच कुंड पंच काशी छन मठ यख महान छन मठ यख महान छन ताल सहस्त्र घाटी फूल की आसमान छिने।
गंगा जमुना यकी बटी सबों की भूख तीस बुझानी चा। यहाँ से हम लोग आए हैं दोस्तों, और ये रोड जा रहा है बाज़ार के लिए, बट हम लोग बाज़ार नहीं गए, हम यहीं से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और थोड़ा हमने सामान लिया है, हम पार्टी शॉपिंग करेंगे ऊपर, तो ऊपर बैठेंगे पार्टी करेंगे। अच्छा इधर बाज़ार है, मैं जब जाऊंगा नीचे बाज़ार में तो आपको दिखाऊंगा बाज़ार, हमारे गांव का मेन मार्केट जो है यहाँ की। फिलहाल हम लोग ऊपर जा रहे हैं। चानी चा डांडो मतड़ा मेडा बाटो मा घरा ररा पापा चली भे मोटर चली। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, और डांडी काठियों का देखा लेंदा लग्यान लेंदा लग्यान। देवतों की धरती मा मन की मसान मन की मसान। ये सड़क हमारे गांव की तरफ जा रही है, और यही सड़क हमारे गांव से बाजार की तरफ आ रही है। और ये आज नई बात मैंने आप सबको बताई। ये देखिए पहाड़ के दृश्य, ये देखिए गाइस हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए, और ये बकरियां चारा चरती हुई गांव की। गाइस ये ऊपर थोड़ा सा बैठने के लिए जगह है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं बैठने के लिए। ये कलजी खाल बाजार, वहीं से हम आ रहे हैं। महंगा पड़ जाएगा घूमना। और ये हम लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए हैं, अपने साथ कुछ सामान लेके खाने पीने का। पार्टी है क्या? Amazing! अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऊंचाई में है, कुछ पेड़ों से ढका हुआ। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इसु कह रही ऊपर वाली, तेरे मैंने पवन को पहचाना ही नहीं, बल मैंने कहा नहीं पहचाना। अब तो कम हो गई है, 9 दिन के फास्ट रख के हमने, बीच में तो बहुत सही हो गया था, अच्छा लगता है। व्हाट अ व्यू, तो राम दोस्तों अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, घूम लिया पार्टी कर ली, अब हम नीचे जा रहे हैं। टाइम हो गया है 6:32, और अब अंधेरा होने वाला है, जैसा कि गांव में जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन बहुत मज़ा आया ऊपर। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया।
ये देखिए ये कुछ घर नीचे बने हुए और हम वहाँ पे ऊपर बैठे हुए थे। बाजार दोस्तों आज ये देखिए गाइस ये आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ हवा चल रही है और ये लोग ये बाजार है गलजी खाल का। काफी सारी दुकान यहाँ पे बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये अब अंधेरा होने को आया है और हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं और धीरे धीरे अब घर की तरफ। कुछ बूंदाबांदी भी हो रही है, थोड़ा मौसम बारिश जैसा लग रहा है। ये देखिए इधर बाजार और अब घर। बेड़ो पाको बार मासा बेड़ो पाको बार मासा नरना कफल पाको चेता मेरी छेला अलूड़े। गाइस हमें हो चुकी है रात और हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल रहे हैं बाय रोड। अंधेरा काफी हो चुका है लेकिन टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। टाइम अभी 7:06 हुए हैं। ये जो लाइट्स जल रही है ये हमारा गांव है। देखिए रात को कितना खूबसूरत लगता है।